उत्तराखंड में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते पहाड़ों के सरकने और आशियाने उजड़ने का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में एक के बाद एक मकान दरक रहे हैं, जमीन ध्वस्त हो रही है, लंबी लंबी सड़कें टूट रही हैं। अब ताजा मामला नैनीताल जिले के नाईसिला गांव से सामने आया है, जहां भूस्खलन की जद में पूरा गाँव आ चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह घरों में चौड़ी चौड़ी दरारें आ चुकी हैं, जमीन फट रही है। बता दें कि ये गांव हल्द्वानी शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गांव में करीब 100 से अधिक परिवार निवास करते हैं। कई परिवार यहां 70 और 80 के दशक से रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने आपदा का ऐसा मंजर नहीं देखा। ग्रामीण लगातार डर के साए में जीने को मजबूर है। ग्रामीण जाए भी तो जाए कहां? वही लगातार हो रही बारिश के बाद मकानों के बाकी बचे हिस्से भी टूटते जा रहे हैं। यहां के ग्रामीण कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन यहां तो जमीन भी फटने लगी है और दरारें बन गई हैं। आपकी जमीन जगह वगैरह कुछ नहीं? कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जमीन नहीं हमारे पास। अभी बारिश होगी, कहां रहेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे, अब रहेंगे ऐसी, जो होगा ऊपर वाला जो करेगा। जाएंगे कहाँ, किसके घर के दरवाजे खटखटाए हैं? हमको दो रहने के लिए, हमारे गाय हैं, बकरी हैं, मुर्गी हैं, सभी हैं, जानवर कुत्ते हैं, किसके पास जाएंगे? कौन रखेगा इतना सामान? खाने के लिए है कुछ घर? क्या है, है ही थोड़ा बहुत अपने लिए, खाने दिन गुजारने के लिए कर रहे थे, ऐसी मेहनत करके अपने दिन निकाल रहे थे, ये भी नहीं निकले। क्या चाहते हैं प्रशासन, सरकार? देखिए, जब कहेंगे अपनी बात को तभी वहां तक बात पहुंचेगी, तभी तो पहुंचेगी। फिर अब जब आते हैं तभी तो पहुंचती, वोट लेने समय तो पहुंच जाते हैं घर घर, ऐसा करेंगे। ना हमारे वहां कोई दीवार दी, ना हमारे वहां कोई शीशी रोड बनाई, ना कुछ। सर देखिए, इंसान अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा के मकान बनाता है, वो भी एक ऐसी जगह में, दुर्गम क्षेत्र में। और सर अगर आप समझ सकते हैं उनकी पीड़ा को, जैसे कि अगर किसी का भी आप ही उनकी जगह में होते मकान जाए तो सर रात को कैसे नींद आएगी, बारिश में कैसे सोते होंगे, वो भी काफ़ी दिक्कत। सर प्रशासन पहुँचे, आज आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, तो कुछ उचित मुआवजा देने की बात करी है और उनको शिफ्ट करवाने के लिए भी बोला है वहाँ से, क्योंकि वो रहने से खतरा से खतरे हैं। मुआवजे से जितना दिया जा रहा है सर, संतुष्ट तो खैर कोई कितना भी दे जाएगा तो नहीं हो पाएंगे, पर यह है कि थोड़ा एक मतलब उनको एक सहानुभूति जैसी मिली है कि हाँ कि हमारे लिए कुछ हुआ है। वहीं डीएम नैनीताल के निर्देश पर गांव का सर्वे किया गया है। तहसीलदार नैनीताल के मुताबिक कई घरों में दरारें हैं, पीड़ित परिवारों को किसी सुरक्षित जगह में शिफ्ट कराने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन ग्रामीणों को खासा नुकसान हुआ है उनको तत्कालिक मुआवजा भी दिया जा रहा है। गाँव में आज हम लोगों ने दौरा किया था, जिसमें खंड विकास अधिकारी और हमारे जो है पीएमजीएसए वाले थे, रेवेन्यू की टीम हमारी थी मौके पे, और कृषि डिपार्टमेंट वाले थे, सारे विभागों ने हमने मौके पे सर्वेक्षण किया है। कुछ मकानों में जो है अभी बरसात के बीच में जो है दरारें आई थी, जिसपे हम लोगों ने उनको अन्य जगह शिफ्ट करने हेतु मौके पे ही, हमारा जो पंचायत घर भी है और प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए उनको हम लोगों ने वहाँ पर व्यवस्था करवा दी है। और उनको हम लोगों ने राजस्व विभाग से जो है 14 परिवारों को जो नाईसिला एवं उसके आसपास के अन्य जो गांव थे वहां पर भी हमने 14 परिवारों को जो है अभी मुआवजा भी उनको राहत सामग्री वितरित कर दी है। और कृषि विभाग द्वारा भी सर्वेक्षण किया जा रहा है और जहां जहां पे नुकसान हुआ है उसका भी हम लोग सर्वेक्षण कर उनको जो भी आर्थिक मदद सरकार की ओर से वो देने का हम लोग। उत्तराखंड में जमीन धंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चमोली के जोशीमठ, उत्तरकाशी और देहरादून में मकानों में दरारें आने और जमीन धंसने का मामला सामने आया था, लेकिन हुआ क्या कुछ नहीं, स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। प्रशासन को इसको लेकर सजग होना चाहिए, क्योंकि भूदशाओं प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल किस वजह से यहां दरार आई और जमीन फटी उसका अभी पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।